आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। अयोध्या में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। जीआईसी मैदान में उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा पथ की 5 अलग अलग परियोजनाओं समेत 67 किलोमीटर रिंग रोड पर बाईपास का शिलान्यास कर रामनगर का तोहफा दिया। इसके साथ ही सांसद लालू सिंह की मांग पर अयोध्या से अकबरपुर सुल्तानपुर 4-लेन मार्ग की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इसके साथ ही शहादतगंज सरयू पुल तक हाईवे के किनारे साइकिल फुटपाथ और लाइटिंग व ड्रेनेज बनाने की भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी तथा भीड़ को व्यवस्थित करने में सुगमता होगी। क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती से गुजरता है। ये टू लेन क्रॉस ओवर मार्ग के साथ परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क के दोनों तरफ 5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बना गया है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ सुंदर पेड़ों की पेड़ लगाए जाएंगे और पैदल पथ पर कालीन की तरह हरी घास लगाई जाएगी। मैं केशव जी को और धनु सिंह जी को प्रार्थना करता हूँ, अयोध्या और इस परिसर के जो चित्रकला महाविद्यालय है, आर्ट कॉलेजेस है, उनके विद्यार्थियों की मदद लेकर कोई अच्छे डिजाइन करके रामायण के इतिहास को अगर यहाँ ठीक प्रकार से रखा जाएगा तो जाने वाले श्रद्धालुओं का और भी आनंद आएगा। इसके बारे में मैं आपका आभार करता हूँ। यहाँ जो जो लोग अपनी कल्पनाएं बनाने चाहते हैं वो पूरी कल्पनाएं, उनकी योजनाएं, उनके मन की कल्पनाएं लल्लू सिंह जी के पास ईमेल करके भेज दीजिए और लल्लू सिंह जी को मेरे पास लेकर आइए, हम उस सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी मुकुल गोयल ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर की और इसके साथ ही मंडल सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मेरे और डीजीपी मुकुल गोयल की ओर से अयोध्या में धाम राम जन्मभूमि परिसर के हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके तहत आधुनिक सुरक्षा भी जरूरी है। अयोध्या की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए डीजीपी के साथ जायजा लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित हो रहा है, देश विदेश से बहुत लोग अयोध्या पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि चुनाव के लिए वे बिल्कुल तैयार है, बूथ स्तर तक की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी के साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन को और बढ़ाने के निर्देश भी दिए। अयोध्या आए हैं दो चीज़ को देखने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रख सके, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो नई विकास हो रहा है अयोध्या का, उसको लेकर के किस प्रकार के सुरक्षा को पूरी तरीके से पुख्ता बनाई जा सके, इसको हमने हनुमानगढ़ी का जो हनुमान जी का मंदिर है उसको भी देखा और राम जन्मभूमि को भी देखा, बहुत नज़दीक से देखा और उसके बाद उसकी सारी व्यवस्था का हमने समीक्षा किया। उसमें क्या हमने बातें की वो तो हम नहीं आपसे चर्चा कर सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इतना एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पे ये पूरा पूरा विकसित हो रहा है, जहाँ पे देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो जो लोग इतने सारे लोग आएंगे उनको एक नॉन ऑब्ट्रूसिव प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम हो, जिसे कहीं किसी को तकलीफ भी न होने पाए और पूरा का पूरा ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं कोई किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी न होने पाए, हर तरह से पूरी सुरक्षित हो, इसके बारे में चर्चा की गई और इसके ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर सिद्धांत नगर
से है जहां शाहपुर सिंगार जोत मार्ग का चौड़ीकरण भाजपा विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के जमीन ने पूजा करके निर्माण कार्य शुरू कराया, जबकि सड़क के शिलान्यास को लेकर क्षेत्रीय लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सिंगार जोत मंदिर प्रांगण में आयोजित जन चौपाल को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर कहा कि सड़क पूरी गुणवत्ता के साथ बनेगी। पहले की सरकारों में सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, लेकिन यह बीजेपी सरकार है और इसमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। इटवा पुण्य से शिखर की ओर जा रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज शाहपुर सिंगार जोत मार्ग है, जो 5 साल पूरा नहीं हुआ, अभी 5 साल पहले ही सपा की सरकार में भारत सरकार के पैसे से बना था, लेकिन उस समय काम इतना ख़राब हुआ था कि 3 साल में सड़क ध्वस्त हो गई थी। अब फिर से आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय केशव मौर्य जी ने इस 22 किलोमीटर लंबी सड़क पर 45 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी है। ये 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी, जिससे हमारे इटवा और डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के इस अंचल के लगभग सैकड़ों गाँव के लोगों को लखनऊ जाने के लिए